हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस की क्रिएटिविटी। आज मैं आपको दो बहुत ही सुंदर फ्लावर पॉट बनाना सिखाऊंगी, जो कि मैंने ग्लास बबल्स और मिरर की हेल्प से बनाए हैं। तो ये मेरा पहला डीआईवाई है। ये मैंने वॉल पुट्टी ले ली है। वॉल पुट्टी में मैंने थोड़ा फेविकोल डाल के पानी मिला के उसका अच्छा सा पेस्ट बना लिया है। वो ये जो मेरे पास हांडी पड़ी थी मिट्टी की, इसके ऊपर मैंने अच्छे से पुट्टी को लगा के इसके ऊपर मैं सारे बबल्स जो हैं चिपका दूंगी अच्छे से। तो मैंने ये वॉल पुट्टी ली है। वाइट सीमेंट की हेल्प से भी आप अच्छे से बना सकते हो। वॉल पुट्टी से ही है कि बाद में मुझे इस पर पेंट करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल पुट्टी का कलर वाइट नहीं होता, तो थोड़ा मैला मैला सा कलर होता है इसका। तो ये मैं सारे बबल्स इस पर चिपका लूँगी। एक लाइन मैं इस पर मिरर के लगाऊँगी। तो बहुत ही सुंदर DIY तैयार हो जाएगा। ये मैंने सारे चिपका लिए हैं। अब लास्ट वाली ये जो लाइन है, इस पर मैं डायमंड शेप के मिरर लगा दूँगी। अब पानी की हेल्प से थोड़ा सारा जो है मैं इस पर फिनिशिंग कर दूँगी। पानी थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसकी फिनिशिंग कर दूँगी अच्छे से। सेकंड वाला ये भी मेरे पास एक छोटा सा मटका पड़ा हुआ है मिट्टी का, तो इसका भी मैं इस पर मैं मिरर लगाऊँगी। इस पे थोड़ा कलर डाल लूँगी ताकि मुझे बाद में इसमें पेंट ना करना पड़े, क्योंकि थोड़ा वॉल पुट्टी जो होती है वाइट कलर की नहीं होती, थोड़ा इस कलर इसका डल सा आता है। तो मैंने इसमें येलो कलर डाल लिया है। वो येलो कलर डाल के मैंने इसमें फेविकोल डाल लिया ताकि ये अच्छे से मटके के ऊपर अच्छे से चिपक जाए। ऐसे तो मजबूत हो जाता है जब हम फेविकोल डाल लेते हैं बीच में। तो ये मैं इसके ऊपर लगा दूंगी, पुट्टी ऊपर लगा दूंगी, और पुट्टी लगा के इसके ऊपर मैं सारे मिरर लगाऊंगी। तो ये मैंने सारे इस पे मिरर लगा दिए हैं। अब इनको मैं सूखने के लिए छोड़ूंगी। सूखने के लिए इन्हें टाइम लगता है, क्योंकि एक दिन सूखने के लिए लग जाता है। तो ये अच्छे से मैं इसकी फिनिशिंग कर लूँगी। तो ये दोनों तैयार हो गए हैं। अब मैं इन्हें सूखने के लिए छोड़ूंगी। तो ये सूख के तैयार हो गए हैं। अब इसकी मैं थोड़ा सैंड पेपर की हेल्प से रगड़ के थोड़ी फिनिशिंग कर लूँगी इसकी अच्छे से। अब वाइट कलर का पेंट लेके एक्रेलिक कलर लिया मैंने, ये मैं इस पे वाइट कलर का पेंट कर लूँगी। वाइट कलर मैंने कर लिया है इस पे। तो ये देखो अब कितना सुंदर लग रहा है। अगर मेरे पास वाइट सीमेंट होता तो मुझे पेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस पे भी मैंने येलो कलर सिर्फ ऊपर ही गया, बाकी तो मैंने शेड इसकी पहले ही बनाई थी। तो ये दोनों पॉट मेरे तैयार हो गए हैं। तो ये फाइनल लुक आया है हमें, ये जो मैंने पॉट बनाए हैं दो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, मेरे DIY अच्छे लगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसे लगे ये भी दोनों DIY। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।